गुड आफ्टरनून टू ऑल. आज हम कमीशन एंड कमेटी पर जो है वो डिस्कशंस करेंगे. टुडे इज फर्स्ट सेशन ऑफ कमीशन एंड कमेटी. जितना भी कमीशन एंड कमेटी का ये कॉन्सेप्ट है इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन जो है वो ये रहेगा. तो फर्स्टली हम जानेंगे हायर एजुकेशन क्या है. तो हायर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों हमें हायर एजुकेशन लगाई गई है, क्यों इतनी जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है एजुकेशन में, इतनी ज्यादा जो है वो एजुकेटेड किया जा रहा है आज की जनरेशन को. तो हायर एजुकेशन किए जाने का रीजन जो है दैट इज कि एक क्रिटिकल थिंकिंग बन सके सभी की, सोशल एंड इकोनॉमिक जो है ग्रोथ भी हो सके सोसाइटी की, हमारे समाज की, कल्चरल एंड मौलिक एस्पेक्ट्स, मॉरल एस्पेक्ट से भी जो है इम्पोर्टेंट है ये. इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको कि हम फेस कर सकते हैं, इश्यूज को रिसोल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रिसोल्व कर सकते हैं अगर हमें हायर एजुकेशन जो है वो मिलती है, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, सोसाइटी में हमारा रोल रहेगा, इकोनॉमिकली भी हम अपना रोल प्ले करेंगे, जॉब कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कल्चर को भी हम जो है वो हेरिटेज करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने कल्चर को, मॉरल वैल्यूज भी हम एजुकेशन से सीखते हैं, और इसके अलावा सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हैं उनको हम रिसोल्व कर सकते हैं थ्रू द हायर एजुकेशन. अब नेक्स्ट चीज है कि एजुकेशन कितने टाइप की होती है, किस तरह की जो है वो एजुकेशन रहती है. तो मेनली हम एजुकेशन को थ्री टाइप से समझ सकते हैं. द फर्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन. Second is non-formal education. And third is informal education. तो यहाँ पर ये जो last two की two terms है ये बिल्कुल opposite है एक दूसरे से. non-formal and informal ये opposite है, ये same नहीं है. कई बार होता है कि हम same ही मान लेते हैं, formal informal मान लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो different terms है. तो formal education किस type की education होती है, किसे हम formal education बोलते हैं. तो ऐसे education जो schools में according to rules and regulation जो है वो करवाई जा रही हो, स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हम खुद जाते हैं, एक निश्चित टाइम टेबल होता है, सर्टन टाइम टेबल है, रूल्स बने हैं और कि इस टाइम पर क्लास लगेगी तो लगेगी ही लगेगी, इस टाइप के अगर रूल्स हैं और हमें एक सर्टन होमवर्क मिल रहा है, हम इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर, तो उसे कहेंगे फॉर्मल एजुकेशन. अब सेकेंड टाइप की एजुकेशन हमारे यहाँ आ रही है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो कम्युनिटी के थ्रू यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू, हम किसी समुदाय के थ्रू, कम्युनिटी ग्रुप्स या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो हम सीख रहे हैं. यानी हमें वहां जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो उसे कहेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन. यहाँ पर हमें एक सर्टन टाइम टेबल मिला है और हम विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन.
नॉन फॉर्मल क्या है, हम कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू सीख रहे हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अगर कुछ सीख रहे हैं तो वो रहेगी हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एंड थर्ड जो रहेगी इनफॉर्मल एजुकेशन, तो ऐसी चीजें जो हम अपने परिवार में, फैमिली में रहकर सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, अपने एज के साथ लोगों के साथ बात करके सीखते हैं, या हम फ्रेंड से सीख रहे हैं, या किसी एल्डर पर्सन से जो है वो हम सीख रहे हैं, या यंगर पर्सन से सीख रहे हैं जो चीजें हम, वो रहेगी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हम थ्रू द गॉसिप सीख सकते हैं फैमिली से, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं फैमिली में वो हमें सिखाया नहीं जाता है, हम देखकर सीखते हैं। हम अपनी एज वाले ग्रुप के साथ, लोगों के साथ बातें करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करके सीख सकते हैं, या बड़ों या छोटों को देख कर जो है वो सीख सकते हैं, वो रहेगा हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, हम कम्युनिटी ग्रुप से या अदर ऑर्गेनाइजेशन से सीख रहे हैं। हम जो है वो हम यहाँ पर जो है थोड़े बहुत रूल्स फॉलो कर रहे हैं, घर बैठे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट हम जो है वो एग्जाम्स देते हैं, तो वो किस में इंक्लूड हो रहा है, नॉन फॉर्मल में। और फॉर्मल में क्या है कि एक सर्टन जगह पर जाकर ही हम सीख रहे हैं, दैट इज अ फॉर्मल एजुकेशन। तो यहां तक क्लैरिटी हुई? यस मैम। ओके ओके, तो हम जो है वो अब नेक्स्ट करेंगे कि कमीशंस एंड कमेटीज जो हैं वो कौन कौन सी रही हमारे हायर एजुकेशन को लेकर, या एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे कमीशन एंड कमेटीज आए हैं, जिनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस ईरा, यानी कि हम इंडिपेंडेंस से पहले जो भी कमेटीज एंड कमीशन रहे हैं। एंड द सेकंड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, कि जो इंडिया के फ्रीडम मिलने के बाद जो पॉलिसीज बनी, उन कमीशन एंड कमेटी को हम कवर करेंगे। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम प्री इंडिपेंडेंस ईरा के कमेटी एंड कमीशंस को जो है वो कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस ईरा में आता है, ब्रिटिश टाइम पीरियड में आता है, अंग्रेजों के टाइम पर जो आता है, दैट इज चार्टर एक्ट। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कमीशन है हमारा चार्टर एक्ट 1813। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं, हेडिंग, नाम आपको रिमेम्बर होना चाहिए, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद होना चाहिए, और इस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, कि कौन सी सिफारिशें की गई थी, कि क्या इम्प्रूवमेंट की जाएगी, वो हाइलाइटिंग पॉइंट आपको रिमेम्बर होने चाहिए। तो पहला कमीशन हमारे पास आ रहा है, चार्टर एक्ट आ रहा है 1813 में। चार्टर एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ये बनाया गया? तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज, कि साइंटिफिक नॉलेज को जो है वो उसका विकास किया जाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो पहुंचाया जाए, सभी को जो है वो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो रहे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे कंट्रोल कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे राज कर रही थी, और इंडिया जो है वो डिवाइड था टू पार्ट में। एक पार्ट था ब्रिटिश इंडिया,
और एक था प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया किसे बोला जा रहा था? जहां पर जिन जिन एरिया में, जिस टेरिटरी में अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, वहां जहां पर कोई राजा सिस्टम नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोगों पर रूल कर रही थी, उसे हमने ब्रिटिश इंडिया कहा। और कुछ ऐसे टेरिटरी जहां पर राजा लोग थे, प्रिंस लोग तो थे, वो सिर्फ टैक्स देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनकी सिक्योरिटी जो है वो देखती थी, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करती थी। तो अब ये जो चार्टर एक्ट बनाया गया 1813 में, इसमें क्या था कि साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाया जाएगा कहाँ पर? ब्रिटिश इंडिया में, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहां पर साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। नंबर दो जो चीज थी इसकी कि क्रिश्चियंस धर्म का जो है वो प्रचार करेंगे, स्प्रेड द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियंस, कि लोगों को कन्वर्ट करेंगे, लोगों को जो है वो क्रिश्चियंस जो है वो बनाएंगे, या उन वो क्रिश्चियंस रिलीजन को जो है वो एडॉप्ट करें। तो इसका जो है वो प्रोपोगेशन करना, इसका जो है वो प्रचार करना भी जो है वो इस कमीशन का जो है वो मेन एम था। वो कैसे वो प्रचार करेंगे? तो थ्रू द एजुकेशन वो प्रचार करेंगे कि ऐसी किताबें लगाई जाएंगी जिसमें क्रिश्चियंस धर्म के बारे में प्रचार होगा, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज जो है वो लोगों को दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस फैक्टर है। प्लस इस चार्टर एक्ट के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई, जो आपको रिमेम्बर रखनी है, नोट डाउन करनी है, दैट इज 1817 में जो है हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन भी रह जाते हैं कई बार, व्हेन डिड इस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कब जो है वो इस्टेब्लिश किया गया? तो 1817 सन में जो है, 1817 में जो है हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। और बाद में अगर देखा जाए हिंदू कॉलेज जो है 1815 तक जो है ये प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से फेमस हो गया, इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो कहा गया। लेकिन बाद में अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम में 2010 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो आज के डेट में अगर देखते हैं तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है वो ये बन चुकी है। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेम्बर होने चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। 1817 में हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश, लेटर बिकम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010 में जो है ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो हमारा पहला कमीशन, पहला जो रिपोर्ट्स थी, पहला जो एक्ट आया एजुकेशन को लेकर, डेट इज चार्टर एक्ट 1813 था, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड किया गया, क्रिश्चियंस रिलीजन का जो है वो प्रोपोगेशन किया गया, हिंदू कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया 1817 में, 1855 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, 2010 में ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर होगी। तो यहाँ तक क्लैरिटी हुई? यस मैम, ओके। यस मैम। बाद जो है हमारा सेकंड जो है वो कमीशन एंड कमेटी बोल सकते हैं हम, रिपोर्ट जो है वो बोल सकते हैं, सेकंड जो रहा हमारा दैट इज एल्फिन स्टोन जो है वो बोल सकते हैं। एल्फिन स्टोन रिपोर्ट हमारी रही, और ये रिपोर्ट कब आई थी? 1823 में ये रिपोर्ट आई। तो एक कमीशन बनाया गया, एल्फिन स्टोन जो है इस एक इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किया गया, और उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की, 1823 तक जो है वो ये रिपोर्ट आ गई थी।
अब इस रिपोर्ट की सिफारिश क्या थी, क्या डिमांड्स थी, क्या रिकमेंडेशन थी? तो इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर होने चाहिए। एग्जाम से एजुकेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है, एग्जाम बुक्स टीचर इन्हीं के बारे में जो है वो बातें रहेगी। तो यहाँ पर इसने जो है वो डिमांड की, रिकमेंड किया कि एक डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन अफेयर्स जो है, अफेयर्स या ऑफिसेस जो है वो रहे, इन पे चर्चा जो है वो होनी चाहिए। सेकंड, इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर भी जो है वो होनी चाहिए, कि जितने भी टीचर है टाइम टू टाइम उनकी जो है वो ट्रेनिंग जो है वो की जाए। टीचर या जो सुपरवाइजर है जिसके अंडर हम वर्क कर रहे हैं, जिसके अंडर हम सीख रहे हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग जो है वो की जानी चाहिए। तो ये जो है वो मेन रिकमेंडेशन इन्होंने की थी। फिर बाद में जो है, जो ये रिपोर्ट आई, बाद में जो है वो ये रिपोर्ट जो है, ये एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन जो है वो बन गया, एक संस्था जो है वो बना दी गई। 1834 में जो है वो सेटअप किया गया, और ये जो है सबसे पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट पे बात कर रहा था। और बाद में जो है यही इंस्टीट्यूशन जो है वो बाद में वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, बॉम्बे कॉलेज जो है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है वो जानी गई। बाद में इसी को जो है वो, एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन को जो है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो इसमें ज्यादा कुछ रिमेम्बर नहीं रखना है, जस्ट द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट एल्फिनस्टोन रिपोर्ट है, 1823 में आई है। दो मेन चीजें थी, हाइलाइटिंग पॉइंट थे इसमें, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन अफेयर्स होने चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ टीचर या सुपरवाइजर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन अफेयर्स या स्कूल्स या ऑफिसेस बोल सकते हैं होने चाहिए, और एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गया बाद में ये 1834 में, एंड ये डेवलपमेंट बॉम्बे में जो है वो बिगिनिंग हुई थी इसकी, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की। एंड आफ्टर दैट जो है वो, इसको जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक क्लैरिटी हुई? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार हमने नाम भी सुना है, डेट इज मेकाले मिंटे कमीशन। तो मेकाले मिंटे कमीशन का अगर देखा जाए तो सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से ईयर में जो है वो ये रहा है, 1835 ईयर में रहा है, या कई बार इस टाइप से भी जो है वो पूछा जाता है, तो दोनों ही वैलिड रहेंगे। अब मेकाले मिंटे ही इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज जो मेकाले थे वो इसके जो है वो चेयरमैन रहे हैं। इस वजह से जितने भी हम आगे कमीशन पढ़ेंगे, चाहे वो राधा कृष्णानंद कमीशन हो, मेकाले हो, सैडलर है, कोई भी कमीशन है, हंटर कमीशन है, तो मेनली जो चेयरमैन रहा उसी के नाम से जो है एजुकेशन कमीशन ये जो है वो फेमस हो गया। अब यहाँ खास बात ये है कि जब 1835 में ये कमीशन बना तो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो जिस पर्सन ने इस कमीशन को किया, डेट इज राजा राम मोहन राय ने जो है इसको बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया, इस कमीशन को, लॉर्ड मेकाले को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि अच्छी बात है कि एजुकेशन के लिए जो है वो कमीशन ला रहे हैं।
अब इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों लाया गया था, क्या मेन पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला ये था कि इसमें इंग्लिश एजुकेशन को जो है वो सुजेस्ट किया गया कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो कंट्री में होनी चाहिए. कौन सी कंट्री में? इंडिया में जो है वो इंग्लिश एजुकेशन का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंग्लिश जो है वो होना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज लॉर्ड मैकाले जो है सेकुलर एजुकेशन, सेकुलर क्या होती है, जिसमें कि सभी धर्म को इक्वल माना जाए, ऑल रिलीजन आर इक्वल, किसी को स्पेसिफिक जो है वो एडवांटेज नहीं दी जाएगी. तो उन्होंने सेकुलर एंड साइंटिफिक फ्री ऑफ एज कि एक लिमिटेड एज नहीं होगी एजुकेशन के लिए, फ्री ऑफ एज होगी. कोई भी पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, एडल्ट है, किसी भी एज का है, दे विल एंटर टू स्कूल या इंस्टीट्यूशन एंड लर्न द एजुकेशन, ये जो है वो रखा गया था. तो इन्होंने जो है वो इन पॉइंट्स पर जो है वो मेन फोकस दिया कि एजुकेशन सेकुलर होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, फ्री ऑफ एज होनी चाहिए, ऑल पर्सन जो है इसमें एंटर कर सकते हैं, कोई भी जो है वो एजुकेशन जो है वो ले सकता है. एंड ये जो जितने भी ये चीजें कर रहे थे मैकाले, मिंटे में जो भी राइट डाउन किया जा रहा था इस रिपोर्ट में, ये प्ले हिज पार्ट ऑफ बिल्डिंग द मॉडर्न इंडिया. तो एक मॉडर्न इंडिया का जो है वो सिंबल है ये कमीशन, क्योंकि इसमें सेकुलर टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी प्लस फ्री ऑफ एज एजुकेशन भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, कि पहली बार ऐसी टर्म्स ये इंट्रोड्यूस हुई कि जिसमें एज लिमिट नहीं थी, कि जो नंबर है एक फिक्स नंबर नहीं था कि यहाँ तक ही जो है वो पढ़ सकते हैं, सबके लिए जो है वो फ्री रखा गया था. और मैकाले मिंटे की अगर हम देखें तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट को अगर हम देखते हैं तो 15 फेब 1835 को जो है वो ये कमीशन रहा था. तो ये जो है वो मैकाले मिंटे की जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए. एक नया जो है वो रिनाइसर बोल सकते हैं हम, एक नया जो है वो रेवोल्यूशन था ये वाला कमीशन, रिनाइसिस बोल सकते हैं, इंडियन रिनाइसिस, पुनर्जागरण की तरफ जो है वो जाने वाला पहला कमीशन था. क्यों? क्योंकि सेकुलर जो अब तक किसी ने नहीं जाना था उसको साइंटिफिक, ये तो चलो चार्टर एक्ट में भी आया था साइंटिफिक नॉलेज, लेकिन इसमें भी ऐड किया गया. और थर्ड पॉइंट इज फ्री ऑफ एज जो रखा गया था, इस वजह से इस कमीशन को क्या कहा गया, यूजफुल फॉर बिगनिंग द इंडियन रिनाइसेंस, इंडिया को पुनर्जागृत करने के लिए जो है वो ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था. तो मैकाले मिंटे जो है इसमें क्लैरिटी हुई. मॉडर्न इंडिया वाला पॉइंट समझाना दोबारा. मैकाले मिंटे हैं लॉर्ड मैकाले. अब यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट नेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वो अंग्रेजों का कंट्रोल है हम पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना रही है. तो लॉर्ड मैकाले जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को लाकर, इस कमीशन को लाकर, कमीशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा जो डिस्कशन करेगा, कमेटी भी यही होगी, ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो डिस्कशन करेगा किसी पर्टिकुलर जो है वो इशू पे. तो लॉर्ड मैकाले ने जब ये चीजें जो है वो इनकी, इनको ऑब्जेक्टिव रखा कि ऐसा रहेगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, सेकेंडरी होगी, इंग्लिश मीडियम होगी, सेकुलर होगा, साइंटिफिक होगा, एज लिमिट नहीं होगी. तो मैकाले मिंटे ने किस टाइप का रोल प्ले किया, उन्होंने इंडिया को मॉडर्न करने की कोशिश की कि बिल्ड हो इंडिया, मॉडर्न हो सके, मॉडर्न बिल्डिंग रहे,
उसकी तरफ जो है वो ध्यान दिया। और कब, 1835 में। 1835 में देखें तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी, इंडिया मॉडर्न बिल्कुल नहीं था, बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग थी लोगों को, लेडीज को एजुकेशन नहीं होती थी, लेडीज तो छोड़ो मेन भी जो है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो है वो उस टाइम पर होता था, इस तरह की चीजें थी। तो जब इन्होंने लाया कि फ्री ऑफ एज रहेगा, कि सभी पढ़ सकते हैं और एज लिमिट नहीं होगी, इवन 10 साल का बच्चा भी एजुकेशन ले सकता है और 60 साल का पर्सन भी एजुकेशन ले सकता है, तो इनको कहा गया कि मैकाले जो है ही प्लेड हिज पार्ट इन बिल्डिंग द मॉडर्न जो है वो इंडिया जो है वो ये बनाना चाह रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, जस्ट ये इसलिए मेंशन किया कि पहली बार एक ऐसा कमीशन था जिसने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है वो स्टेप जो है वो लिया था। क्लैरिटी हुई अब? यस मैम। मैम जो है हमारे पास आता है एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट रही ये, मिस्टर एडम के सुपरविजन में एक नई रिपोर्ट तैयार की गई 1835-38 में जो है वो रिपोर्ट जो है वो तैयार की थी। एडम को अपॉइंटेड किया था इस कमेटी में, किसने अपॉइंटेड किया था, बाय विलियम बेंटिक ने जो है वो इनको अपॉइंट किया 1835 में। और ये रिपोर्ट क्या थी, एक सर्वे जो है वो किया गया, सर्वे रिपोर्ट थी। मेनली किसके लिए सर्वे रिपोर्ट थी ये, इन स्वदेशी एजुकेशन के लिए, इंडिजिनियस एजुकेशन के लिए जो है वो ये रिपोर्ट थी, कि जो हमारे यहाँ की एजुकेशन है उसका जो है वो सर्वे किया जाए, क्या वीकनेस है उसकी और क्या जो है वो बेनिफिट है या क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो की जा सकती है। और मेनली ये टू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है, टू डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया गया था, बंगाल एंड बिहार की एजुकेशन का सर्वे जो है वो किया गया था। और इसको कंपाइल किया, मिस्टर एडमन के सुपरविजन में रहा, तो इसको जो है वो एडमन रिपोर्ट जो है वो कहा गया। और इसको, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो इतना टाइम पीरियड जो है वो लगा था। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो ये एडम रिपोर्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो बंगाल एंड बिहार है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट सर्वे है जो स्वदेशी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो है हमारी एडम रिपोर्ट। तो यहाँ तक क्लैरिटी हुई, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यस मैम। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है अब हमारा, वो डिस्पैच। सबने सुना ही होगा अगर पढ़ रहे हो आजकल आप कमेटी एंड कमीशन, तो बहुत फेमस है वो डिस्पैच। 1854 के टाइम पीरियड में जो है वो ये आया था। और वो डिस्पैच एक ऐसा कमीशन है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो 1854 में जो है वो ये डिस्पैच जो है वो रहा, ये कमीशन जो है वो आया। और इसे जो है वो एक फेमस नाम जो है वो दिया गया, दैट इज मैग्ना कार्टा। तो अब यहाँ से ये भी क्वेश्चंस माइंड में रहता है कि मैग्ना कार्टा क्यों बोला, मैग्ना कार्टा जो है वो क्या होता है।
तो मैग्ना कार्टा जो है, ये टर्म जो है वो ब्रिटेन से ही जो है वो फेमस हुई है। मैग्ना कार्टा कहते हैं कोई एक ग्रेट चैप्टर, कि एक ऐसी चीज जो अपने आप में बहुत ग्रेट है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो उसको, उस चीज को हम जो है वो मेघना कार्टा बोल देते हैं, जिसमें हमारे राइट्स के बारे में है, हमें कुछ चीजें प्रोवाइड की जा रही है, एक एग्रीमेंट है। तो वुड डिस्पैच भी एक ऐसा कमीशन था जो एक अपने आप में ग्रेट चैप्टर है, जिसे मेघना कार्टा ऑफ इंडिया जो है वो कहा गया। तो मिस्टर वुड जो है वो चेयरमैन थे इस कमीशन के। और ये एक ऐसा कमीशन था जिसकी फर्स्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन, पहली बार एक ऐसी पॉलिसी की सिफारिश की गई थी, किसकी की गई थी, यूनिवर्सिटी की जो है वो इसमें सिफारिश जो है वो पहली बार की गई थी। इससे पिछले अभी तक हमने जितने भी देखे, चाहे वो चार्टर एक्ट 1813 है, चाहे फिल्डस्टोन कमीशन है, चाहे वो मेकाले मिंटे हैं, तो उसमें हमने एक ही लाइन बार बार देखी कि उसमें जो है वो साइंटिफिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या उसमें सेकुलर की बात कर रहे हैं, या उसमें जो है वो टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन 1854 में ये पहला ऐसा कमीशन आया था जिसमें यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन पर भी जो है वो पॉलिसीज पर बात की गई, कि यूनिवर्सिटी को भी जो है वो इम्प्रूव जो है वो किया जाए। तो इसके जो फेमस चीजें हैं, सबसे फेमस जो बात है, तो इसकी रिकमेंडेशन में इसकी सिफारिश थी, इसकी डिमांड थी कि क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और कौन सी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए। थ्री फेमस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने की ये बात करता है, कोलकाता यूनिवर्सिटी बॉम्बे में एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर ये तीन यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने की जो है वो बात करते हैं। और ये जो रिकमेंडेशन थी कि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाए, इम्प्रूवमेंट हो, बाकी तो वही होगा कि इंग्लिश मीडियम हो, ऐसा हो वैसा हो, ट्रेनिंग रहे या एजुकेशन वुमेन्स को दी जाए, ये सब थी। लेकिन सबसे जो हाईलाइटिंग पॉइंट हो, जो इसको डिफरेंट बना रहा है बाकी कमीशन से, वो ये था कि इसमें डिमांड की गई कि इस्टेब्लिशमेंट हो यूनिवर्सिटी की कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास। और इस डिमांड को माना भी गया इस डिस्पैच ही, और ये थ्री यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई 1857 में। फर्स्ट कोलकाता इस्टेब्लिश हुई 24 जैन 1857 में, सेकेंड जो है वो मुंबई में इस्टेब्लिश हुई 18 जुलाई 1857 को, एंड थर्ड जो है वो मद्रास में इस्टेब्लिश की गई 5 सितंबर 1857 को। और इसको अगर रिमेम्बर रखना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है, CM मद्रास करके वर्ड याद रख लो, सीक्वेंस वाइज आपको खुद ही याद हो जाएगा। CM मद्रास टर्म याद रख लो, सी मीन्स कोलकाता, एम मीन्स मुंबई, एंड मद्रास मीन मद्रास में। तो इस तरह ये सीक्वेंस में स्टेब्लिश हुई, पहले कोलकाता में, फिर मुंबई में, फिर मद्रास में। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है वो इसकी रिकमेंडेशन पर जो है वो इस्टैब्लिश भी की गई थी। तो यहां तक क्लैरिटी हुई। यस मैम। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कब इस्टैब्लिश हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं अभी नेक्स्ट जो कमीशन आ रहा है हमारे पास,
हंटर कमीशन। टाइम पीरियड रहेगा 1882। हंटर क्यों बोल रही है? बिकॉज विलियम हंटर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। तो एक एजुकेशन कमीशन आया 1882 में, विलियम हंटर को उसको चेयरमैन बनाया गया, और जिससे ये किस नाम से फेमस हो गया, हंटर कमीशन के नाम से जो है वो ये फेमस हो गया। अब हंटर कमीशन जो है ये क्यों अपॉइंटेड किया था? तो स्टडी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, एंड डिवेलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो किससे रिलेटेड है ये? प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा हंटर कमीशन। और ये क्यों किया जा रहा है एस्टेब्लिश? ताकि प्राइमरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाए और इसकी एजुकेशन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिवेलप जो है वो किया जाए। अब इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं, जो डिमांड कर रहा है ये कि ऐसा होना चाहिए, ये जो है वो फोकस कर रहा है रिगार्डिंग है सेकेंडरी एजुकेशन पर, डिमांड कर रहा है कि होनी चाहिए इस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हायर एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन की भी बात कर रहा है कि रिलीजन एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, सबको पता होना चाहिए रिलीजन एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा ये वुमेन एजुकेशन की भी बात कर रहा है। तो रिकमेंडेशन क्या है इन रिगार्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है वो इसकी रिकमेंडेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये जो है वो सेग्रेशन कर रहा है, अलग कर रहा है किस चीज को अलग कर रहा है, ये यहाँ पर अलग करने की बात कर रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भी जो है वो सेग्रेशन जो है वो होना चाहिए, अलग अलग जो है वो जगहों पर ये एजुकेशन दी जानी चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन है तो यूनिवर्सिटी में हो, एफिलेटेड कॉलेजेस में होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन है तो स्कूल्स में जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। तो ये जो है वो इसकी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस कमीशन से रिलेटेड जो आपको रिमेम्बर रखनी है, इनके पॉइंट जो है वो नोट डाउन रखने हैं। तो